सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्रयोगशाला सहायक या रीट का एग्जाम, जो भी राजस्थान के एग्जाम है, वृद्धि दर का टॉपिक आएगा ही आएगा। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो वनपाल, वन रक्षक, LDC, CET सुबह 8 बजे का बैच है, रीट मेंस 8 बजे का लेवल 1 का बैच है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लाइव, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको मिल सकते हैं, और वो टाइम रहेगा हमारा 1 बजे का। तो संकल्प ऐप पर जाकर आप जरूर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पूरी। तो शुरुआत करते हैं शानदार जानदार से। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, दोहराते रहना बार बार मेरे साथ, 2011 में भारत की वृद्धि दर बताओ 17.7, पहले कितनी थी 21.3, 34 थी, 21.34, लेकिन आप याद रखना 21.3, क्यों? क्योंकि कुछ खास है, बताइए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बताओ, आप कह दो 17.7, पहले कितनी थी 21.3। जितनी भारत की पहले थी उतनी राजस्थान की अब है, जितनी भारत की पहले थी उतनी राजस्थान की अब है, तो पहले कितनी थी 28.41%, 28.41%, क्या शानदार क्वेश्चन है ये। भारत की वृद्धि दर 17.7, पहले थी 21.3, जितनी भारत की पहले थी उतनी राजस्थान की अब है, पहले कितनी थी 28.41%। इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि दर में वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई। चाहे आप भारत को देखो चाहे आप राजस्थान को देखो, दोनों में कमी दर्ज हुई। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ये बताओ ज्यादा कमी भारत में हुई या राजस्थान में, तो कह देना राजस्थान में लगभग 7 की कमी हुई। तो भारत की वृद्धि दर 17.7, पहले थी 21.3, जितनी भारत की पहले थी उतनी राजस्थान की अब, तो पहले थी 28.41। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है मेघालय, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है मेघालय, लगभग 27%। कम है नागालैंड, कम वृद्धि वाला राज्य पूछे तो कह देना नागालैंड, -0.6%। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है क्योंकि ये माइनस में चली गई थी, ये याद रखिए। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला पूछे तो मेघालय, कम वृद्धि वाला नागालैंड, लेकिन ये माइनस में है, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक 1961 से 71 का जो दशक है, यह भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक है। 1911 से 1921 का जो दशक है, यह भारत में, यह भारत में कमी वाला दशक है, यह भारत में कमी वाला दशक है। 61 से 71 भारत में वृद्धि वाला, 11 से 21 कमी वाला। याद रहे राजस्थान में भी कमी वाला दशक यही है, राजस्थान में भी कमी वाला अगर कोई दशक पूछे आपसे तो कह देना कि 1911 से 21 का जो दशक है, 11 से 21 का जो दशक है, ये राजस्थान और भारत में कमी वाला दशक है, लेकिन भारत में वृद्धि वाला दशक है 61 से 71, और राजस्थान में वृद्धि वाला दशक है 71 से 81। कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था ये कि राजस्थान में वृद्धि वाला दशक बताओ 71 से 81, दोनों में कमी 11 से 21, याद हो गया। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला राजस्थान में, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बताओ, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है बाड़मेर, 32, लगभग 32, लगभग 32, बाड़मेर 32। दूसरा वृद्धि वाला है जैसलमेर, दूसरा वृद्धि वाला है जैसलमेर। तीसरा वृद्धि वाला जोधपुर, तीसरा वृद्धि वाला जिला बताओ तो कह देना जोधपुर। सर्वाधिक, सर्वाधिक
बाड़मेर, बाड़मेर का 32, बाड़मेर का 32, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर। ना याद रहे तो कह देना सौर ऊर्जा त्रिकोण के तीनों जिले ज्यादा वृद्धि वाले हैं। सौर ऊर्जा त्रिकोण में देखो, सौर ऊर्जा त्रिकोण में चलता तो क्रम ऐसे है, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, आप इसको उल्टा चला लो कि बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर, बस इतना काम याद हो जाए। कम वृद्धि वाला जिला है गंगानगर, चाहे रीट का पेपर देखो, बहुत सारे एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कम वृद्धि वाला जिला बताओ, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कम वृद्धि वाला गंगानगर, गंगानगर अगर ऑप्शन में ना आए तो भाई झुंझुनू, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है पाली, तीसरा है पाली। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा अगर पूछ ले तो जोधपुर, कम वृद्धि वाला पूछे तो गंगानगर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा पूछ ले तो पाली। सर्वाधिक राजस्थान में वृद्धि वाला दशक, अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक बताओ तो कह देना भाई सबसे ज्यादा वृद्धि वाला दशक 61 से 71 से 81, कमी वाला दशक पूछे 11 से 21। एक बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछे भरतपुर की वृद्धि दर किसके बराबर है तो राजस्थान, भरतपुर की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है, के बराबर है। राजसमंद की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के बराबर है, भारत की वृद्धि दर के बराबर है। इसका मतलब ये बराबर का आंकड़ा है। देखिए भरतपुर की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है, राजसमंद की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के बराबर है। पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो आप लास्ट में कर दोगे मैचिंग कि भय को तो भय के बराबर कर दो, रह को रह के बराबर कर दो। अगर मैं ये कहता हूं आप फिर भी ना पढ़ सको तो ये समझ लेना कि भाई मैचिंग नहीं है, मैचिंग नहीं है। भय वाला भय के बराबर नहीं है, रह वाला रह के बराबर नहीं है, तो भय तो उल्टा राजसमंद राजस्थान और राजसमंद है, वो भारत की वृद्धि दर के बराबर है। इसको ऐसे याद रखो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत की वृद्धि दर 17.7 पहले थी, 21.3 जितनी भारत की पहले थी उतनी राजस्थान की अब है, तो पहले कितनी थी 28.41। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मेघालय, कम नागालैंड, माइनस में चला गया। सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक भारत का 61 से 71, कमी वाला 11 से 21। राजस्थान का सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक 71 से 81, कमी वाला दशक 11 से 21। फिर उसके बाद भरतपुर की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है और राजसमंद की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर के बराबर है। बार बार दोहराओगे दो चार बार, इतने में ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, एग्जाम में पक्का आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करके आप हौसला बढ़ाते रहना और अपने नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे हमेशा। 6 से 7 के बीच में बने रहिए लाइव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।